बिहार सरकार के पूर्व मंत्री छेदी लाल राम को पुलिस ने जमीन कब्जा कराने की कोशिश मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की तैयारी हो रही है। फिलहाल उन्हें नगर थाने में रखा गया है, जहां थाने के बाहर उनके समर्थक जमा हो गए हैं। दरअसल सैथू बसंतपुर छावनी गाँव में हथियार के बल पर जमीन दखल कराने के लिए पहुँचने की सूचना पर पुलिस ने ही उन्हें दबोच लिया, जिसके बाद राजपुर थाने में लाकर उनसे पूछताछ की गई। बताया यह गया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सैथू गांव के निवासी गणेश चौबे तथा हजारू चौबे के बीच 14 एकड़ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। हजारू चौबे का कहना है कि जमीन पर वर्षों से उनके द्वारा खेती की जाती है, जबकि पिछले साल गणेश चौबे के द्वारा उक्त जमीन पर दावा किया गया। उनका दावा इस साल खारिज भी हो चुका है। इसी बीच रविवार को गणेश चौबे के पक्ष से पूर्व मंत्री छेदी लाल राम व देवहिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय राम अन्य लोगों के साथ हथियार से लैस होकर मौके पर पहुंचे। दूसरे पक्ष के द्वारा जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, थानाध्यक्ष संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूर्व मंत्री छेदी लाल राम समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया। उनके पास से 57 जिंदा कारतूस और 2 राइफल भी बरामद किए गए हैं। जो है एक कांड दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, और उसमें जमीन पे जबरदस्ती काम कराने और जमीन पर दखल कब्जा कराने का एक शिकायत आया है, जिसपे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छेदी राम हिरासत में लिए गए जी। राजपुर थाना क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की बात कोई नई नहीं है। हाल ही में रामपुर गांव में राजा राय नामक भाजपा कार्यकर्ता की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की कोशिश की गई और उनसे मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, हाल ही में कुख्यात अपराधी गुड्डू राय को भी इसी इलाके से इसी आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।